अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबादी बैठक में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज का जो टॉपिक है एक बहुत सीरियस टॉपिक है, सीरियस इशू है। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि सारे इंडिया में ये टॉपिक को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चाहे होटल्स में हो या कॉलेज के कैंपस वगैरह में हो या फिर कहीं चबूतरे पर बैठ के हो। ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो टॉपिक है रेप। इंडिया में फ़िलहाल कुछ दिनों में 2 रेप हो गए और जिसकी वजह से बहुत ही इशू बढ़ गया और एक अलग टर्न ले लिया, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी मसाइल हो रहे हैं। और इसके लिए बहुत लोग अपने अपने तौर पर इसके बारे में बता रहे हैं कि ये करे तो ऐसा होता, वो करे तो ऐसा होता। और हमारे कुछ नौजवान भी और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक अगर लॉ के हिसाब से सज़ा मिले, स्टोन टू डेथ मार दिया जाए रेपिस्ट को, तो ये क्राइम रुक सकता। तो अब एक नए शख्स के सामने जब आप बात आती तो उसको दिमाग में ये बात आती कि भाई क्या यही हल है स्टोन टू डेथ, या फिर क्या है? और क्या इस्लाम डायरेक्टली किसी को डायरेक्टली मार देने का हुक्म देता तो क्यों देता? ऐसा कोई रेप कर देगा तो क्या है? ये तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह ताला आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लाम जो है सिर्फ एक दीन नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है और ये सारी चीज़ों को केटर करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे सॉल्यूशंस का आंसर है। लेकिन अब रेप का आंसर क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में, इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के गेस्ट से सबसे पहले महमूद जो है हाफिज़ कुरान भी है, पहले भी आप लोग देखे होंगे हमारे टीम के खास मेरे कज़न भी हैं। महमूद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद की टी शर्ट बड़ी अच्छी है नहीं बोलो बोले लेकिन बोल दूंगा मैं। इनके टी शर्ट पर लिखा हुआ है, जूम करके देखेंगे तो स्ट्रीट कल्चर, एंड शायद दिस वॉज नॉट इंटेंशनल। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ये मैच हो गया, बट इट्स नॉट दैट कि हम नहीं ये नहीं बोल सकते कि रेप हैज़ बिकम अ स्ट्रीट कल्चर, बट इट माइट लीड टू स्ट्रीट कल्चर। तो और हमारे साथ और एक हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला, जो फर्स्ट नौजवान शो में हमारे साथ बैठे थे, जो मेरे यानी दोस्त के बड़े भाई के बोले बच्चे बेटे भी हैं, भतीजे भी हो सकते हैं उसमें, तो है हाफिज़ अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान शो आपसे स्टार्ट हुआ था जी आज हैदराबादी बैठक में, और खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल हैदराबादी बैठक में पहले बढ़ाना था माशाल्लाह सऊदी से आने के बाद, अभी फिर थोड़े दिन पहले गए थे आप, कैसा रहा सफर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना के करीब हो गया। हां माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिद्दा में आ गए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जबरदस्त रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हमेशा के साथी जो हैदराबादी बैठक के हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो है जनाब सुहेल साहब। और सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सुहेल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अरे यार दोनों बाजू बैठे हैं माशाल्लाह। और खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सुहेल भाई टॉपिक तो थोड़ा सा बहुत सीरियस टॉपिक, मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बैठक है, थोड़ा सा लाइट हार्ट टॉक के साथ, लेकिन बातें बहुत सीरियस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो रेप्स के बारे में हम जो है, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग के बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि भाई अगर से वीडियोस भी देखे होंगे आप लोग, भाई स्टोन टू डेथ दिया, कत्ल की सज़ा दे के लटका दिया उसको, तो ख़त्म जो ना ये रेप ख़त्म हो जाता, तो ये आप लोग के दिमाग क्या वर्क करता है इसमें? मैं बोलूँगा काजम भैया कि ये तो वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। ओके। बिकॉज ऑफकोर्स इससे इबरत मिल सकती, बट टू एन एक्सटेंट। कई लोग ऐसे रहते कि ये एक बहुत प्लान्ड वे में करते हैं, उनको ये प्लानिंग करने का मौका जब मिलता, जब उन लोग कुछ करने का नहीं रहता एंड उन लोग एक किसी चीज़ को फॉलो करते रहते, ऐसी माइंड में नहीं आती ये चीज़। मैं ये बोलता हूँ कि अनलेस उन लोग को खाली मौका नहीं मिला या बार बार यू नो मोस्ट ऑफ द रेप केसेस जो सामने आते हैं, मैं ये देखता हूँ कि रोज़ाना इंटरेक्ट होते ये जो भी विक्टिम रहते और जो यू नो क्या बोलना कल्प्रिट रहे फॉलो करते उन लोग, ऐसा सडन बहुत कम होता। अच्छा, मोस्ट केसेस। अच्छा ऐसा होता? यस मोस्ट केसेस। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो पैटर्न है, अब लोग फर्स्ट केस में तो बोलेंगे कि पर्दा एंड बच्चियाँ कैसा ड्रेस करते हैं। हाँ। रिसेंटली जो केसेस हुए दोनों केसेस में दोनों बच्चियाँ यू नो कुछ ऐसा एक्सपोजिंग क्लोथ नहीं पहन गए थे, बट फिर भी हुआ। तो इससे मालूम एक केस तो जैसा मैं बोला मोस्ट केसेस, एक केस तो वही है कि कॉन्स्टेंटली फॉलो करता था वो बंदा, रोजाना मिलना करना या देखते थे, तो उस हिसाब से इन लोगों पर नजर रखना चाहिए, ये लोगों पे एज इन पुलिस का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा मैं बोलना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर ही थी, तो आई थिंक इट इज सिविल ड्यूटी राइट्स के भाई आप लोग इन लोग को सिक्योरिटी दें। आप ये है मेरा किसको सिक्योरिटी दें?
जो स्पेशली डॉक्टर्स का जो केस है वो केस में बता रहा हूँ मैं। अच्छा, किसको? डॉक्टर्स को सिक्योरिटी? एंड ऑफ कोर्स एंड इन द एंड मैं बोलूंगा कि रात में अच्छा यानी क्योंकि नहीं सॉरी आप ये बोल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस और जो डॉक्टर्स फील्ड डॉक्टर्स काम करते हैं देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर देम। करेक्ट। ओके। एंड मैं ये बोलूंगा कि ऑफ कोर्स इस्लाम अपने को ये भी सिखाता है कि औरत घर में रहना बट क्योंकि बस प्रोफेशंस ऐसे होते हैं दे नीड टू गो आउट। बिल्कुल। बट व्हेन दे नीड टू गो आउट दे शुड बी माइंडफुल वेयर दे आर गोइंग एंड माइंडफुल ऑफ देयर सराउंडिंग। आई थिंक सुहेल भाई के कुछ पॉइंट्स से आज इस टॉपिक पे। नहीं नो नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कोई आप बोल सकते। जी जी जी, जैसा कि आप बोले यानी जब भी केस होता तो न्यूज़ उठ के यानी सोशल मीडिया पे ऐसा उठ के आ जाता कि स्टोन टू डेथ कर देना, एग्जीक्यूट कर देना सीधा एग्जाम। तो नहीं थोड़ा मुसलमान थोड़ा जज्बात में आए थे। जी जी जी। अरे नहीं, मुसलमान भी और अच्छी बात तो यह है नॉन मुस्लिम भी बोलते हैं सपोर्ट स्टोन यानी डेथ सेंटेंस देना, एग्जीक्यूट कर देना। मगर इंडिया में यानी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्या रहते हैं? अनरिपोर्टेड रहते। दैट्स व्हाट मोर देन 90% ऑफ द केसेस अनरिपोर्टेड रहते। ये तो न्यूज़ में आया बोल के। देखिए अब जब रेपिस्ट रहता, रेपिस्ट के रेप करने के बाद दो चीज़ें रहते, अब उन्हें पकड़े जाएंगा तो कार्रवाई होंगी, एग्जीक्यूट करा जाएगा उन्हें। अब उन्हें का यानी रिपोर्ट ही नहीं होंगे उसके अगेंस्ट में तो एग्जीक्यूट कहाँ पे होंगे, कार्रवाई किधर होंगी? आई थिंक इंडिया में ये केसेस आजकल स्पेशली पास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा यू नो रिपोर्ट हुए केसेस। ऑफ कोर्स 90% नहीं हुए, 10% जो रिपोर्ट हुए वो ज़्यादा नंबर्स है। मैं ये समझूंगा कि अब तक 10 ईयर्स में गवर्नमेंट कुछ इस पर यू नो खास स्टेप्स ली नहीं, जैसा कि स्टोन टू डेथ हो गया या जैसा हैंग कर देना। अभी आई फील कि कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। आई रियली होप, आई रियली होप, लेकिन हो रहा नहीं। वो होता होगा इंशाल्लाह, थोड़ा दुआ करेंगे इंशाल्लाह। लगता है देखो कोई भी चेक आपको मालूम है, इट्स नॉट। मैं समझता हूँ कि दूसरे कंट्रीज में आप भी रहे, मैं भी रहा, लेकिन इंडिया में कोई भी चीज को जो है कोई भी लॉ डाल के उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल, इसीलिए बिकॉज पॉपुलेशन बहुत है, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। आप इंडिया को जो ना कोई छोटी कंट्री से कंपैरिजन नहीं कर सकते, मलेशिया वगैरह से। भाई बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन है। आप एक ट्रैफिक रूल चेंज करके आप छोटे से मोहल्ले पे ठहर के देख लो, मालूम आता। तो ऑल द टाइम इफ यू यानी आपको नहीं बोलूँ, इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू ब्लेम द गवर्नमेंट एंड बोल रहे हैं कि भाई लोग डेथ सेंटेंस नहीं दे रहे, वो नहीं, तो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ओके फाइन। कुछ हद तक गवर्नमेंट को भी रूल्स वगैरह चेंज करना चाहिए रेप के, आप सिक्योरिटी। लेकिन इस्लाम क्या डायरेक्ट किसी को रेपिस्ट को मार देने का हुक्म देता है या कहाँ से बचपन से उसकी तरबियत स्टार्ट होती है? तो इंशाल्लाह हम पहले जो है यहाँ से बात स्टार्ट करते हुए करेंगे कि बच्चा जब या बच्ची आपके बेटा बेटी है घर में जब 10 साल के होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उन लोगों के बिस्तरों को अलग कर दो। अब यहाँ पर बिस्तर अलग करने का क्या है, बल्कि एक रिवायत में आता कि एक ब्लैंकेट या एक चादर में नहीं सोना है दो जने, जी इवन बहना भी दो, अलग अलग चादर हो। अब ये थोड़ी देर के लिए दिमाग में आ सकता है क्या है भाई इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ये क्या है भाया बहना ही है, अरे दोनों ही बहना है तो क्यों है, क्या है आप लोग इस पर कुछ? आई मीन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला की क्या हिकमत है इसमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताए तो तरीके हैं। मैं ये समझूंगा कि इस्लाम इज नॉट जस्ट रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जैसा हम हमेशा बोलते हैं। तो अ वे ऑफ लाइफ आपको शुरू से नौजवानी या चाइल्डहुड से आपको वे ऑफ लाइफ है इस्लाम। मैं ये समझता हूँ कि जैसा एक चाइल्डहुड में एक माइंड ग्रो होते रहता, आप एट दैट वेरी मोमेंट बच्चे को ये सिखा रहे कि ऑपोजिट जेंडर से दूर रहना, बी इट योर सिस्टर आफ्टर एन सर्टेन एज, देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज व्हिच यू मस्ट नॉट क्रॉस। बाउंड्री रहती है अब शुरू से, अगर आप वो करें आप लड़का लड़की में अगर आप वो बताए कि लड़का एक ये इसमें है, लड़की ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इतना ज्यादा क्लोज होने का नहीं है घर से शुरू होना, इवन इफ यू भाई बहन। अच्छा अब ये इसका जो है आगे चल के वो होता, अब देखो द एज ऑफ 10 लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग जी मोस्टली अमंगस्ट गर्ल्स, तो एक अलग वो रहता। और आजकल का दौर अगर हम देखेंगे तो वो ज्यादा रिलेट कर सक रहे हैं इस चीज को। पहले के दौर में शायद सहाबा के दौर में वो उतनी बातें नहीं थी जैसे आज गंदगी है, इंसेस्ट, भाई और बहन का फियर हो रहा, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व सेक्सुअली, और बहुत केसेस है। अच्छा अगर सेक्सुअली प्रॉपर पूरा वो भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट फिजिकल थोड़ी इंटीमेसी हो जा रही हो लोगों की, एंड दे स्टार्ट लाइक ऑब्जर्विंग। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अल्लाह माफ़ करे बहन या घर की औरतों को देख के उन्हें फिजिकल पार्ट्स को जो है ना उसको नहीं मालूम हो रहा, उन्हें ऑलरेडी 10 साल के बच्चे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देख ले रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से, कार्टून्स, मैन कार्टून्स, फॉरगेट अबाउट मूवीज एंड ऑल द एडल्ट स्टफ,
कार्टून्स के अंदर द कैरेक्टर इज वेयरिंग दिस बिकिनी एंड ऑल द स्टफ, ये तो टू मच है, है ना? बिल्कुल. द होल पॉइंट बिहाइंड पुटिंग दी स्टफ इनटू कार्टून्स इज दिस कि भाई बच्चों का दिमाग छोटे रहे जब से ही खराब करो. एंड दिस इज द वेरी रीजन उलमा बोलते अपने बच्चों को फोन से दूर रखो आजकल, टीवी से भी. टीवी पहले की बात अलग थी, आजकल तो बहुत ज्यादा जो ओपन हो गया. मैं सुनता हूँ पास्ट 10 ईयर्स के ये टीवी जो शैतान का डब्बा है, जब रियलाइज नहीं होता था क्योंकि जब शौक से देखते थे. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूंगा देख कार्टून्स देखे भाई हम भी छोटे जब देखे, बट पहले इतना फिल नहीं रहता था. बट नाउ आई सी अगर कभी दो क्लिप आ गए यूट्यूब पे या कहीं पे तो आई रियलाइज कि भाई क्या रहा आजकल के कार्टून में, बच्चे क्या क्या सीख जा रहे हैं. पेरेंट्स को ही रियलाइजेशन नहीं हो रहा. अच्छा काजिम भाई, आप जैसा बोले अभी तो तरबियत की बात हो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कर देना है वगैरह जो भी है सुन्नत. तो अब एक रिपोर्ट में बोलूंगा 2018 का, बट आप कार्टून की बात कर रहे थे, कोवेनेंट आइस की रिसर्च है 2018 की, यानी ज्यादा दूर की भी रिसर्च नहीं है. 2018 की रिपोर्ट है कि क्या बोलते सो फर्स्ट व्यू पॉर्न बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 12, यानी 50% मेल्स थे, यानी 51% मेल्स क्या बोलते सो फर्स्ट टाइम 10 से 12 साल के बच्चे 51% अगर पोर्न उनका लाइफ का वहां से स्टार्ट हुआ. सो जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोइंग टू हैपन. एंड मैं ये भी समझता हूं कि इन लोग को ये हॉट टॉपिक और डिस्कशन जब होता जब बच्चे स्कूल में जाते एंड सब बच्चे घरों में सेम चीज देख के आते एंड इवेंचुअली माइंड और खराब होता जब एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं चीज. एंड मैं देखा सो ऐसे सर्कल मेरे पहचानत में कि बच्चे ये चीज डिस्कस कर रहे हैं. आई वाज वॉकिंग बाय एंड आई हर्ड देम टॉकिंग अबाउट कार्टून्स एंड फिल्थ दैट दे सॉ इन द कार्टून्स. अच्छा फिल्थ कभी मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, मैं वैसे ही नहीं हुआ कि भाई आजकल के बच्चे इतनी छोटी उम्र में ये बात कर रहे हैं. हमारे बचपन में जो है हीमैन बोल के कार्टून था, दैट इज नॉट, वो भी गलत था उसका. अच्छा देखा गया तो देर वॉज नो फिल्थ, बट देर वॉज ऑलवेज समथिंग विच वॉज टेकिंग यू अवे फ्रॉम अल्लाह एंड दीन. जैसा हीमैन यूज टू से द कार्टून बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, हीमैन कार्टून में उसके पीछे तलवार होती बाय द पावर ऑफ, तो या खुल्लम खुल्ला आप शिर्क कर रहे हैं. बिल्कुल ये बच्चों को बचपन से सिखाया जा रहा, फिल्थ नहीं थी होंगी होती. तो हमारे टाइम पे ये था कि कार्टून देख के हम लोग ये बातें छोड़ के वो लकड़ी लेके पीछे लगा के हाँ या सुपरमैन देख के कुछ नहीं कपड़ा बेडशीट पीछे बन के, ये बचपन अलग ही था वो टाइम का. बिल्कुल. तो मगर आज आप बोल रहे हैं कि नौजवान 10-12 साल के या छोटे ये फिल्थ डिस्कस कर रहे हैं कार्टून्स देख के, ये आप खुद सुने बोल रहे हैं. जी हां अल्लाह यूट्यूब पे चल रहा भी वैसा आजकल क्या हो गया, कार्टून देखने का शौक है बच्चों को तो एडिटिंग करके कुछ ना कुछ कर दे रहे कार्टून के साथ, कपड़े पहलावा है उन्हें उसको नंगा कर दे रहे हैं. सही है. और वीडियो गेम्स भी खतरनाक है यार. अरे वीडियो गेम्स तो ये आगे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला. अच्छा तो ये 10 साल से तो यहाँ से तरबियत स्टार्ट हो रही है. नाउ अगेन मैं हम ये बोलेंगे ऑडियंस को, आप जब डेथ सेंटेंस को आप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हो ना जी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. ऐसा कोई एक नॉन मुस्लिम भी कोई देख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम सीधा एक मार दो थोड़े नहीं कर रहा, पहले तो आपको 10 साल से तरबियत स्टार्ट हो रही है. अच्छा तो दूसरा है इंटरमिंगलिंग का भी, पर्दे का अहतमाम में ये है कि को एजुकेशन से थोड़ा दूर हो, शादियों में दावतों में आप गैर महरम और महरम का जो है लिहाज करें. तो ये बचपने से होता, जैसा कि वो बच्चा लड़का बॉय जिसको तमीज़ आ जाए औरत और आदमी में फ़र्क करने की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, तो उससे भी बालिग नहीं भी हुआ तो उससे भी थोड़ा सा कुरान के आए थे ना जी. तो अब यहाँ पर इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस को भी इस्लाम जो है थोड़ा सा एक बाउंड्री लगा दिया, मगर ये थोड़ा सा मुश्किल है. अब अपने पास क्या करते हैं, पहले से ही अपन क्या करते हैं, नहीं बिस्तर अलग नहीं करे, बच्चों को कोएड कॉलेज स्कूल में भेज दिए. अब उसको क्या हो गया, एक डोर ओपन हुआ. मैं ये डोर ओपन किसका हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगा रेप का हुआ जिना का हुआ, लेकिन दूसरे ऑपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्ट करके उसके साथ क्लोज होने का डोर ओपन हो गया, विच माइट लीड टू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. 97% मोर देन 97% केसेस जो रहते जो विक्टिम रहता कल्प्रिट के रिलेटेड रहता रेप होने से. दैट्स व्हाट महमूद वाज़ सेइंग, कुछ ना कुछ जानता हूं जानता हूं पहले से. ओके 97% जी मोस्ट ऑफ द केसेस जैसा कि आप बोल रहे थे महरम गैर महरम हां, मगर जानने में है मगर उन्हें कर दे रहा क्योंकि अनजानी कोई एक रेपिस्ट अल्लाह महफूज रखे उन्हें जो ना रोड पे खड़ा है कोई भी एक रैंडम कोई भी औरत या बच्ची को जाके पकड़ के रेप नहीं कर देता जी, उसके पूरे देखता उन्हें अब मैं इंडिया की बात करूं यानी अमेरिका की बात तो छोड़ ही दो, आप इंडिया में क्या फैमिली सिस्टम है, अब फैमिली के नाम पे क्या होता
यानी गैर महरम आ रहा देख रहे नहीं, बच्ची बैठी हुई है गैर महरम आ रहा, यानी लाइट लेके बैठे हुए रहते। ओके वी आर जस्ट राइट नाउ ये टॉपिक, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेप। रेप इज समथिंग व्हिच इज नॉट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो ना रेप जी, इट्स अ फोर्स्ड, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ ऑन समवन। इससे हटके जिना का तो फिर अलग ही मसला होगा जी, बेशक जिना से भी बचना, अपन जिना और रेप देखते भी चलेंगे, देखते भी चलिए। तो और जो है इंटरमिंगलिंग का हो गया। अच्छा इस्लाम असल तरबियत का मामला मैं परसों सुन रहा था, एज ए पेरेंट भी मैं समझूंगा और मैं सीखने की कोशिश करूँ। हम जो है पेरेंट्स जो है बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स के कंट्रोल में रहना, ये सुनते ना अरे भाई ऐसी तरबियत, लेकिन क्या करना मालूम, बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना, पेरेंट कंट्रोल नहीं। क्या क्या पॉइंट है ना, बिल्कुल। तो ये अगर से सिखा देंगे आप बचपन से, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है शुरू से, अगर आप सिखा दिए बच्चों को, अब खाली आप मेरे उसमें माँ बाप क्या बोलते हैं मेरी बात सुनना, हाँ, उसमें उसमें करना बोले तो क्या कर क्या रहता जी। बच्चा उनके उसमें रहता हो, उनके सामने ही था, उनके सामने वो करता, पीछे पीछे कुछ अलग निकल जाता। वही वही और एक चीज पे ऐड करना चाहूंगा, सेल्फ कंट्रोल आता है डिसिप्लिन से। अपने फैमिलीज में डिसिप्लिन रहता सिर्फ स्कूल के हद तक, दैट्स व्हाट स्कूल में डिसिप्लिन रहना, बच्चा स्कूल की रिपोर्ट में टीचर डिसिप्लिन के उसको 5 स्टार दे रहे या 1 स्टार दे रहे, इवेंचुअली वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग है उसमें क्या आ रहा है, जिंदगी का मकसद स्कूल, जिंदगी का मकसद कॉलेज। आजकल तो भाई मैं कल ही मेरे रिलेटिव्स के पास गया तो देख रहा था 5th क्लास के बच्चे का इतना बड़ा बैग, आई डोंट नो क्या पढ़ा रहे, बहुत वजन है यार बैग, हम करे अल्लाह आसान करे। आमीन। डिसिप्लिन से सेल्फ कंट्रोल आता, क्योंकि ये बड़े एडल्ट्स को जो अपन काउंसलिंग करते हैं उनको भी ये सेम चीज मालूम होता है, डिसिप्लिन लाने के लिए बोलते हैं दूसरे चीजों से दूर होने के लिए। एज लॉन्ग एज डिसिप्लिन नहीं आया तो बच्चों के जहन में ये चाहिए कि भाई डिसिप्लिन स्कूल के हद तक है, जैसा अगर को आगे फोन मिल गया टीवी मिल गया, इवेंचुअली वो फोन मिल गया टीवी मिल गया तो उन लोग एक भाग में लगे हुए रहते हैं कि ये मिला तो हम लोग फिर जाके होमवर्क करना है, होमवर्क करते हैं बीच में फोन मिल जाता है ये मिल जाता है खुश हो जाते हैं उसमें। फोन जब हाथ में मिल रहा है टीवी हाथ में मिल रहा है तो डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल चले आ। अच्छा अब फोन दे दे रहे, कंट्रोल से भी नहीं दे रहे, अब कैद करते बेटा कर लो फोन में, क्या बोलते हैं स्कूल से, अब मेहनत कर क्या क्या थोड़ा आराम कर उसको कर लेता हूं का रिस्पेक्ट का। ये लोग को स्कूल की हद तक जो है उतना ही कर रहे, वो टीचर की जो इज्जत कर रहे सिर्फ स्कूल में, घर में आके मां-बाप की इज्जत नहीं कर रहे। ट्रू, इसमें फिर इस्लाम की एक टीचिंग आती है तरबियत, जो अखलाक यू नो मॉरल्स, जो कैसे इंसान की कैसे रहना एटिकेट्स। तो बच्चा स्कूल तक टीचर के लिए डिसिप्लिन है, टीचर को इज्जत दे रहा, टीचर को रिस्पेक्ट करा, घर को आके वही जो पेरेंट्स स्कूल भी जा रहे हैं उनसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा, तो डिसिप्लिन तो पूरे को चलेगा। सेल्फ कंट्रोल जब लोगों बच्चे जो बोले वो वीडियो देख ले रहे हैं, उनकी एज से आगे के वीडियोस देख ले रहे हैं, right. तो टेल मी आप क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, इवेंचुअली वहीं से माइंड बिल्ड होता। एंड जो बड़े लोग जो एडल्ट जो रेप करते हैं, जब फोर्स करते हैं अपने आप को किसी और पे, तो आई थिंक उनको ये सेंस ऑफ क्या बोलना, रिस्पेक्ट नहीं रहता किसी भी ह्यूमन के लिए, नॉट जस्ट ऑपोजिट जेंडर, किसी भी ह्यूमन के लिए उनको जो चाहिए होना, ये चीज आती सेल्फ कंट्रोल में, आपको जो चाहिए होना हासिल करने के तरीके कैसे रहते हैं। आई मीन ऑफकोर्स ये तो रास्ता नहीं है, बट जो चाहिए करना है। नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं, ये भाई बोल रहे हैं, महमूद बोल रहे हैं कि ये लोग जो है एक्चुअली अगर आगे हम फोन के ऊपर भी बात करेंगे तो इनके लिए एक औरत इज एन ऑब्जेक्ट, यस लाइक अ टॉय, बस उसको दिमाग में सिर्फ था कि औरत है इसके साथ सेक्स करना है, दैट्स इट, शी इज मेड फॉर दैट। असल में दिमाग में कैसा है, ये नॉर्मलाइज हो गया है अभी, जैसा बोले महमूद भैया, यानी इसको जो चीज होना है कई को आया भी दिमाग में। मैं पॉर्न की बात भी नहीं करूँ, अब मूवीज भी देखेंगे आप, अब उन्हें बच्ची को छेड़ा, बच्ची न्यूट्रल रहती यानी तो एग्री करती उसके ऊपर, तो दिमाग में वही डर है अगर बच्चा छेड़ा तो नहीं, यस बोल देती, यस बोल देती है, कुछ भी इतना नहीं, इतना इजी है, इतना बच्ची को फूल दे दो, हां बोल देंगे, दोनों मिलके चले जाएंगे, ये हल्लू आ जाता मूवीज में, ये दिखाता है मूवीज में, ये दिखाता है उससे दिमाग में आ जा रहा है ऐसा हो जाता है। भाई बोल रहे हैं कि ये लोग दे डोंट रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, यस मैं बोलूंगा दे डोंट रिस्पेक्ट द क्रिएशन ऑफ अल्लाह कोई भी, क्योंकि देयर वाज अ केस अ फ्यू डेज बैक, एक शख्स जो है एलिगेटर के साथ रेप कर दिया। अल्लाह अकबर, कौन से सिटी का था बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर यार, आप एलिगेटर बोल रहे, डेड बॉडीज के साथ भी हुआ, डेड बॉडीज के साथ, ग्रेव में से निकाल के डेड बॉडीज के साथ रेप हुआ, वो तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था पड़ोस मुल्क में, बट पड़ोस मुल्क पे जाने से पहले अपने खुद कंट्री में काउस एंड ये तो कॉमन है। अच्छा ये के साथ तो बहुत कॉमन है, वोंट बिलीव दिस, और ओके ये जो ना 15 प्लस है, ओके इसको 15 प्लस रेटिंग देना है, तो
मैं जब यहाँ पे था 90s वगैरह में हम लोग जब थे तो हम लोग सुनते थे कि कुछ लोग नौजवान वगैरह, अच्छा ये जो ना मोहल्लों में एक दो रहते थे ऐसे कुछ अजीब नमूने जो ब्लू फिल्म देखे हो, यानी पोर्न नाउडेज ब्लू फिल्म देखे, कुछ अजीब हरकत वाले, तो आई वुड से इट ओपनली, तो वो लोग चेयर रख के डेयरी फार्म्स वगैरह जाके भैंसों के साथ जो ना रेप करते थे. इट्स कॉल्ड रेप. कौन सा भैंस इज नॉट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दिस इज योर यार क्या लेवल पे गिन गए. तो अ पर्सन हु इज सेक्सुअली स्टार्व्ड इज एक्चुअली अ क्रेजी मेंटल मैड पर्सन, पागल होगा. अपना काम इस्लाम ये बनाया बताया कि फज़क्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आपका काम नसीहत करना. तो पेरेंट्स का काम बच्चों को ये 10 साल से ट्रेनिंग देते रहना है. अगर एंड ऑफ द डे अगर से बच्चा फिर भी नहीं सुन के कर रहा तो एज अ पेरेंट आप हक अदा कर दिए. यू आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल अनलेस एंड अंटिल आप उसको तरबियत नहीं दिए तो पकड़ होंगी. बच्चा नमाज का हुक्म तो 7 साल का हुए, जब 10 साल का नमाज नहीं पढ़ा तो बच्चा उसको मारो. तो यानी ये नहीं करे आप तो पकड़ है. आप कर लिए आप होता कई वक्त भाई भाई अच्छे नेक दिन डालो. नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बात नहीं सुना. तो पेरेंट्स को भी हम थोड़ा डिमोटिवेट नहीं करेंगे. अगर आप बोलते रहने तो अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी करते रहो, बस बच्चे नहीं सुनते ना यार. बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल के जमाने में ये इंटरमिंगलिंग की जो आप बात बोले वेरी कॉमन हो गया है. पेरेंट्स को ऐसा है कि भाई यार दूर नहीं रख सकते, जान दो. बच्चा नमाज पढ़ ले रहा, कुरान पढ़ ले रहा, ठीक है. बट बच्चा जब नमाज पढ़ा कुरान पढ़ा तो यहाँ पे शैतान और उसको होता है लेके जाने के. और जब आप उसको ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म दे के है ऑपोजिट जेंडर से मिलने का करने का, तो वो तो रास्ता बना हुआ है उसके लिए. एंड मोर ओवर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें. एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. एंड मैं जो मोस्ट केसेस सुना हूँ, आई डोंट नो अबाउट द रिपोर्ट्स, बट मैं मोस्ट केसेस सुना हूँ ये जो कल्प्रिट रहते हैं लोग, यू नो लेबरर्स रहते हैं या वॉचमैन रहते हैं या कोई काम करने वाले रहते हैं कहीं, इनके पास मशगूलियात नहीं रहती. जॉब के बाद कोई प्रोडक्टिव नहीं रहता. जॉब पे भी मशगूलियात इनकी ज्यादा नहीं रहती. बैठे हुए देखना है वहाँ देखते हैं और फोन में देखते. फोन में क्या देखते, वी ऑल नो. यस, खाली जगह बैठे इंसान, मुस्लिम रहो नॉन मुस्लिम रहो, शैतान का काम एक ही. बिल्कुल बिल्कुल, शैतान का काम इंसान को गंदगी की तरफ लेके जाना है. आई से दिस because मैं I have come across a couple of watchmen जो फिल्म देख रहे फोन में, तो कोई एक सडन आया छुप गए, छुपा लिए फोन बंद कर दिए, सडन हैबत में रहते. तो आई रियलाइज कि भाई इन लोग ये देखते हैं. तो अगर मैं वो रिलेट करके देखूँ तो जो कनेक्शन वो भी वही था, वॉचमैन ही था. सो आई थिंक जब काम इंसान काम पे रहता तो उन लोगों को एक मशगूलियत देना चाहिए या उन लोगों पर निगरानी रखना चाहिए. खाली जब इंसान रहता तो फिर अपने बच्चे खेल रहे बिल्डिंग में या फिर डोर पे नॉक मारे, सीसीटीवी लगा है, उन्हें पकड़ के बच्चे को अपने किडनैप करके लेके चल गया. आपका सीसीटीवी क्या काम आएगा, उन्हें मार के काट के गुर्दे भेजेगा. ये मैटर में क्या कर सकते आप, बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं इसमें भी ना, मैं उनके ऊपर हाँ हाँ अच्छे 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 भी रहते. जो स्पेशली रेप केसेस में आते यही लोग आते, बट अच्छी मेजोरिटी इन लोग की अच्छे भी लोग हैं एंड वाकई सिक्योरिटी रहते हैं इन लोग एंड दे वांट टू हेल्प पीपल. महमूद भाई जैसा बोले मिक्सिंग में, उसमें असल अब ये जो इंडियन जो कल्चर है हैदराबाद का ही मैं बोलता हूँ, जॉइंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली जितना आप दूर रह सकते हो उतना आपके लिए बेहतर रहता है अपने लिए. नहीं इसलिए वही तो आपको घर में खत्म, कजन कजिन से शुरू होता, क्योंकि कजन से महरम में इसमें आते आप, कजिन से शुरू होता अपने को, ये बहन वो बहन कजन बहन कुछ सब है खत्म. आपका करेक्ट जितना उससे इमेज का बोल रहे भाई, वो अंकल अब दूर के अंकल दूर के आंटियां आके बच्चों से मिलते हैं. अरे हाँ दामिला से बोलते अरे ये तो पैंपरा मत ले इसके, थाली में फिरता था बड़ा में पर्दा कर रहा, वही बहाने से मिलने जाते. तो बड़े हो गए ना पर्दा, यानी आप बचपने में करें, वी रियली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट आप बचपने में, लेकिन पर्दा पर्दा है, वी हैव टू फॉलो इस्लाम. अच्छा फिर जो है आएंगे बात, तो इस्लाम जो है नफ्स से जिहाद करने के बारे में बताता. आज हमारे नौजवान जो है जिहाद की बात करें तो बहुत जोश दिखाते, वो हदीसों को ले लेते. हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी हदीस को देखना चाहिए, अल मुजाहिदु मन जहादा नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह आतिया फी ताअतिल्लाह आती रिवायत. तो यानी मुजाहिद वो है, एक तो जिहाद वो है, एक मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे अल्लाह के लिए. अब एक ऑपोजिट जेंडर को देख के पहले तो देखना ही नहीं, वहाँ से जिहाद स्टार्ट, क्योंकि नेक्स्ट अपनी जो बात करने वाले थे वो है नज़रें नीचे रखने का. अच्छा नज़रें नीचे रखने का जो हुक्म है ये दोनों के लिए है, मर्द औरत को ना देखे. डू यू रियली थिंक दैट ओनली गर्ल्स आर अ विक्टिम ऑफ सेक्शुअल अब्यूज? नो नो.
बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता कि स्कूल में लड़के जो छोटे रहते फीमेल टीचर्स दे सेक्सुअली अब्यूज देयर स्टूडेंट्स. दिस माइट बी समथिंग स्ट्रेंज एंड न्यू फॉर लॉट ऑफ पीपल, लेकिन है भाई. बिल्कुल है. तो ये सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं होता, आप एक पब्लिक प्लेस में है लॉट ऑफ कब ये होता है, लड़कियाँ जो है ना वॉन्टेडली आपको घस देती. इट कम्स अंडर फिजिकल अब्यूज, इसको भी डिस्कस करना, ये भी डिस्कस करना चाहिए भाई. वी आर ऑल्सो विक्टिम्स समटाइम्स. खैर ये टॉपिक आ जाए. तो नज़रें नीचे रखने का जो हुक्म था, तो नज़रें नीचे रखने का हुक्म आपको जब मिल रहा, आप नफ्से जिहाद कर लिए, कंट्रोल कर लिए, एक इंसान ऑपोजिट जेंडर को जब देखा ही नहीं, नीचे नजर रखा, तो रेप तो बहुत दूर होगा ना. बिल्कुल, उसका ज़हन जाता ही नहीं होता. नहीं देख रहा ही नहीं तो भाई उन्हें कौन आ रही, कौन जा रही, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, उसको मालूम अपना काम कर रहा है, नहीं आ रहा. अच्छा, नहीं नज़रें नीचे करने का एक अच्छा पॉइंट आया, शेख अब्दुल रशीद मुजाहिद आबादी का देख रहा था. अच्छा, उस्मान बिन अफ्फान का रज़ी अल्लाह अन्हु का सीरत सुना रहे थे. अच्छा, तो हया का पॉइंट लाए थे हम. अब उन्होंने हया का पॉइंट लाए, तो हया के पॉइंट में उन्होंने ये बोले किसी गैर को आने मत दे घर को, बल्कि ऐसा बोल रहे थे हम. तो मैं दिमाग में आया मेरा पॉइंट, अरे हया का पॉइंट बोल रहे, ये क्यों बोल, ये कहीं को बोल रहे भाई, यानी गैरत ला रहे भाई तेरे अंदर, ये बोलना था. गैरतमंद ये बोल रहा था. तो हया के पॉइंट में ये कहीं को लाए उन्होंने, तो जब अपन हया प्रैक्टिस करते ना, तो हया प्रैक्टिस करे तो क्या अपने अंदर अल्लाह ताला डाल देते यानी प्रोटेक्ट करने का. अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. अब बच्ची जा रही, बच्ची अकेले जा रही, अगर एक पॉर्न एडिक्ट है, पॉर्न देखने वाला, ड्रामे देखने वाला, मूवीज़ देखने वाला, अगर जा अगर उन्हें भी अकेला, इन्हें भी अकेली है, तो उन्हें मौका चांस देखता हूँ, उन्हें सो कैसा फंसाना बोल के. वही अगर हया वाला है तो चल जाता खामोश उन्हें. तो अगर हया प्रैक्टिस करेंगे अपन तो क्या खुद यानी खुद भी अपन प्रोटेक्टेड रहते, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते अपन. अल्लाह ना करे, दूसरा अल्लाह ना करे वही बच्ची को अगर कोई भी छेड़े, अली घूर के भी देखे, तो अपन कंसर्न कर सकते हैं उसको. खुद अपन बेहया है तो अपन खुद बेहया है, बेगलत बेहया है, उन्हें उसको छेड़ लेना छेड़ लें, तो अपने क्या अपन भी थोड़ा और ताड़ लेते. देखे लोग भाई कभी कभी देखो जाते रहते बच्चिया, बच्चे गैर यानी गैर मर्दा देखते रहते, दिल मचल जाता, फाइटा महना दिल बोलता हो, जो भी रहता. सही है, सही है. तो अपन खुद यानी हया प्रैक्टिस नहीं करे. हाँ, तो अपन और ये मैं समझता हूँ कि गैरत एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मर जाती, जो दूसरों को देखते रहता ना, तो उन्हें उसके बीवी बहन को भी लेके बेगैरती से रहता, घर वालों को भी वैसे देखता है, वही नजर से. इसलिए शायद हया का वो नजर से भी देखता, और अपनी बेटी बहन को कोई देख रहा तो उसको फर्क नहीं पड़ता, लाइट ले लेता. अरे क्या यानी भाई कैसा समझ गया था. खैर आगे से लो बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर करना है और टाइम भी हो रहा. तो एक बहुत बड़ा जो है आंखों को नज़रें नीचे रखने का, तो यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ रेप केसेस के अगर आप देख लेते आएंगे, उन लोगों से इंटरव्यू लेंगे बिठा के भाई क्यों करें, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फोन एडिक्शन आता मेरे में. क्या बताऊँगा आज के दौर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता, बिकॉज मैं जैसा बोला खाली वक्त में इंसान डिसिप्लिन अगर ला लिया, सेल्फ कंट्रोल ला लिया, तो उस चीज़ से भी रुक सकता है, और अगर वो छोड़ दिया नफ्स के हवाले हो गया इंसान, तो फिर ख़त्म हो गया. एंड फॉर व्हाट आई नो पॉर्न जब इंसान देखता तो फिर यही चीज़ें दिखती उसको वहाँ अननोन. एंड मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रहा था मेरे भाई का, उन्होंने बताया कि पॉर्न में एक स्टोरी लाइन बनाते हैं उन लोग, एंड इवेंचुअली वहाँ पे ऐसा चलते चलते मिलते, उसके बाद फिर जो भी होता, हर स्टोरी है, इट्स एन इंडस्ट्री, पॉर्न इंडस्ट्री, लाइक हॉलीवुड एंड बॉलीवुड. तो ये लोगों का देखते देखते माइंडसेट भी वैसे ही बन गया. ट्रू, कि भाई मैं जाऊंगा, मैं कर उसे हाय हेलो बोलूंगा, पानी दूंगा, खत्म हो जाता. ओह कम ऑन, लाइक सही है वो, यू नो. अब जो मैं आई वोंट लाइक टू डिस्कस, मतलब बोलना तो पड़ता बहुत सारे पॉलिटिक्स. अब यार मेरा तो काम ही अपनों का यहाँ, तो आप जैसा बोलते हो लोगों का एक इमेजिनेशन रहता, हम जो है पिज्जा डिलीवरी बॉय बन गए, तो जाके दे थिंक दैट दे विल गो एंड जस्ट दे विल स्टार्ट डूइंग द स्टफ विद द लेडी, ऑर्डर दी, अरे बाबा फोन आ गया, चलो अपन. मोस्ट ऑफ द केसेस में पिज्जा डिलीवरी का उसके मीम्स भी बनते, तो पोर्न स्टार्स के अल्लाह महफूज रखे. तो ये लोग क्या समझते, औरत बोले तो खत्म, और औरत में गोरी बोले तो खत्म. मैं क्रिश्चियन और मुस्लिम भी होंगे जो अंग्रेज रहते वाइट वेस्टर्नर्स औरतें, वो लोग क्या बोले मालूम, व्हाई डू यू एशियंस ऑलवेज थिंक दैट वी आर रेडी फॉर सेक्स. अल्लाह, आई रेड दिस, बोला बोले क्या समझते तुम ना, अपन समझते क्या इला पोर्न स्टार से या बोलते आ जाएंगे या फिर इला इतने नहीं, दे हैव देयर रिस्पेक्ट, एक वो रहता उनका भी वो ठीक है, वो लोग दे डोंट ड्रेस मॉडेस्टली होता होगा बिकिनी, लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल फॉर सेक्स. बिल्कुल, फॉर दिस वेरी रीजन मैं बोलूंगा दे आर टू ब्लेम.
उनमें से आप अपन ये नहीं बोल सकते कि जैसा सिर्फ गोरों को नहीं, एक पोर्न एडिक्ट का ये आलम रहता हाई लेवल का कि एक टाइम आने के बाद मैं एक पोर्न एडिक्ट को काउंसलिंग से वन टू वन ऑफलाइन ऑनलाइन भी नहीं सामने ठहर के मैं बोला आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा होता बोल के, जब उन्हें अपनी माँ पे नज़र डालता बहन पे तो उसको वैसे ही नज़र आने लगता, बोला बिल्कुल सही बोल रहे काजिम भैया आप, मैं सुनी सुनाई नहीं ना। तो ये सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ नहीं है, इन्हें समझता औरत जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, इन्हें कैसा भी हो जाती है क्योंकि आप जैसा बोले इन्हें एक मूवी सीन्स वो देख के उन्हें एक इमेजिन कर लेता ये सीन होते कि हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैसे एक्सपेक्ट करता, किचन में जो ना कोई भी है अपने ऐसा टच करते शुरू हो जाएंगे यार कम ऑन पागल हो गए आप लोग। तो सुभान अल्लाह पोर्नोग्राफी इज अ बिग रीजन इस्लाम इसको ऑलरेडी हराम है, खत्म होने बात, नजरें नीचे रखना है किससे, गैर महरम के चेहरे को देखने से, और आप गैर महरम को नंगा देखने से इस्लाम जरा सोच लें आप। तो पोर्नोग्राफी का भी हो गया, और सिर्फ पोर्नोग्राफी पे नहीं हो रहा था कि वल्गर कंटेंट तो आजकल कार्टून्स सीरियल्स और मूवीज में भी है जी। तो हम ये नहीं समझना कि हमारे बच्चे जो है ना एडल्ट कंटेंट नहीं देख रहे, लेकिन ये इवन कार्टून्स और ये सब अभी बात हो गई अपनी शुरू में। अच्छा, इसमें वी वोंट ब्लेम ऑल द वुमेन कि भाई लगा कपड़े ख़राब पहने, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता कि बहुत बुरखा तैयार कपड़े पूरे बुरखा पहन के ग्लव्स पहनने वाली के साथ रेप होना इज़ वेरी रेयर, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम पर्सनल ग्रज या फिर कोई कुछ होगा रीज़न, दुश्मनी निकालने इसका रेप कर दो, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता। देखो काजिम, सेफ्टी को भी नहीं भूल जाना, नंगे भी नहीं फिर सकते आप, अरे नहीं बुरखा पहनने वाले के साथ भी रेप हुआ नहीं है, कपड़ों पे आप नहीं बोल सकते। नहीं, हम इस्लाम की यहाँ पे बात करें। अब किसी बुरखे वालों के साथ कोविड का ले लो आप, यानी मास्क पहनने वाले को भी कोविड हुआ, आप पूरे कोविड मास्क उतार के फिर बोल के बोलेंगे आप। तो अब जो है ये भी हम हमारी बहनों को बोलेंगे, हम जब क्योंकि बचपन से आ रहे हैं तरबियत में, तरबियत से आ रहे हैं ना, तो ये तरबियत दी जाती है कि औरत जो है छुपाने वाली चीज़ है, औरा टू बी कवर्ड। तो आप जब पूरा कवर्ड करके निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बदमाश किस्म का रेपिस्ट किस्म का जहन वाला पोर्न एडिक्ट भी रहा, उसको कुछ दिख रहा नहीं तो उन्हें बोलता बुढ़ी है कि जवानी की, इतना बुरखा पहनी हुई है इसका दिल क्यों मचलेगा। अब आप पूरा जो है इमोडेस्ट और क्लोथिंग पहन रहे हैं, आप दिखा रहे हैं अपने आप को, तो फिर जाहिर बात है उसकी नजर तो जाएंगी। तो लिहाजा आप बहनों को भी ये बोलेंगे कि पूरा कवर करने की कोशिश करें, अपनी ब्यूटी भी छुपाना है, मतलब दिखाना नहीं है अपनी ब्यूटी क्या है, वला तबर्रुज ना तबर्रुज जाहिलियत बोला तो, और ब्यूटीफाई करके एक तो बुरखा पहनना है और अपने आप को दिखाना नहीं है। जब कपड़ों की बात करते हैं भाई, वेस्ट में देख लो पूरे नंगे फिरते, ज्यादा तो वेज कैसा है भाई, देखा गया तो वो हिसाब से फिर सऊदी में कम है भाई, देखना फैक्चुअल बात करना। अच्छा, आपने लोगों का ये पॉइंट उठा लिया कि सऊदी में जो ना डेथ सेंटेंस है तो कम है, ये पॉइंट नहीं उठाया सऊदी में पर्दा भी होता। मैं ये बात लाना चाह रहा हूं, तो इमोडेस्ट क्लोथिंग भी हो गई। और अच्छा, अब यहां से तरबियत स्टार्ट होती होती यहां पे आई, अब आ गई बात यहां पर एक गैर महरम को टच करने की, हाथ मिला लेते हैं, कजन्स हो गए, ऑफिस में हो गए, कहीं भी, हत्ता इमकान कोशिश, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि कीला लोहे का आयल वो सर में ठोक दिया जाए एक गैर महरम को टच करने से। तो इस्लाम रेप और जिना तो बहुत दूर है, यहाँ पे इतना भी अलाउड नहीं कर रहा। तो ये अगर बचपन से तरबियत में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली रेप केसेस ही सिवियरिटी, आप जब किसी चीज की बता रहे तो इंसान का एक इमेजिनेशन बनता, साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताएं कितनी सिवियर बात है कि अगर किसी के सर में कीला ठोक रहे हैं तो अगर इंसान अपने अपने आप पे अंदाजा लगा लिया, सोच लिया कि अगर मेरे को कीला मारे सर में तो कितना दर्द हो सकता, सही, उससे बेहतर ये है कि मैं किसी को टच करूँ तो वो छोड़ देता होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे ऐसे टीचिंग्स है, अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे कि जब हम सुनते हैं तो हमारे को आंख पे कांटे आ जाते, अरे भाई इतनी सिवियरिटी इस चीज की तो छोड़ देना चाहिए। एंड ये चीज बताना चाहिए फ्रॉम अ वेरी यंग एज, दैट्स व्हाट पहले से स्टार्टिंग हो रहा। बेटा देखो, मगर बच्ची है दूर है ना, बस घरों में हम सुने कि डराने के वास्ते अपनी बच्चियों को, छोटे बच्चों को नहीं मालूम होता, हालांकि ऐसा जो है ना शैतान से ज्यादा डेंजर गैर महरम रहता, उससे दूर रहना। और ये भी सिखाया गया सुने कि बेटा बॉय दूर है लेकिन उसका पसीने की बॉय तो तू प्रेग्नेंट हो जाती, डराने और डर बैठ गया जी। अब वो सही है गलत, इट्स अनदर टॉपिक, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एक अलग पुराने लोग ऐसे करें, लेकिन ये गलत ही, ऐसा नहीं बोला, ये सिखा देना उसे अच्छा
कि बेटा तेरे सर में कीला ठोकना अच्छा दिखेगा तेरे को, मगर एक बात बता रहा हूँ कि इतनी डर रहता था पहले के लोगों को ये बताने की कोशिश करें। आई थिंक इसमें पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 18 साल 19 साल का बच्चा जब होगा जब मैं उसको ये चीज़ बताऊंगा, बट वो बहुत लेट हो जाता है। 12 साल 13 साल की उम्र में जब इनिशियली बच्चे को अगर ये तरबियत दे दिए, बच्चा फिर 19 साल में आगे बाद आप उसको तरबियत दे रहे इस चीज़ की, बट उन्हें फिर बोलेंगे अरे चलता भाई मैं 5-6 साल से टच कर लेता हूं कुछ भी नहीं होता। असल एज 13-14-15 यही एज रहती। अच्छा 10 साल से स्टार्ट हो रहा असल हर चीज देखो, असल नमाज भी 10 साल के तो नहीं मानना, बिस्तर अलग करना, तो 10 साल से स्लो स्लो बोलना स्टार्ट कर देना है ये चीजें। अब आप जैसा बोले 13-14-14 वो रहता, 18 के बाद क्या रहता है तो किसी भी बात में सुनता नहीं आदत करता, फोन एडिक्ट बन जाता अगर फोन देख रहा तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। और अल्लाह ताला कुरान में बोले ला तक़रबुज़ ज़िना, मतलब तो बात है ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना नहीं करो, नहीं बोलो ला तकरबो, जिना के करीब मत जाओ बोलो। अब जिना के करीब जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को अपन समझेंगे तो आंखों का जिना, पैर का जिना, तो हम जो पोन देख रहे हैं, पोन देख रहे हैं या फिर और भी कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर अल्लाह माफ़ करे मसाज सेंटर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारे हाथों का जिना हो रहा, आंखों का जिना हो रहा, इवेंचुअली आप जाके आपकी शर्म का प्राइवेट पार्ट्स तस्दीक कर देते हैं आपकी पूरी चीज़ों को, आप जिना में पड़ जा रहे हैं। ये रेप नहीं, जिना इज ऑलमोस्ट इस्लाम में तो दोनों का सही मामला है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला जो है अपने क्या बेहतरीन तरबियत दिए, पहले तो बचपन से लाते लाते टच का भी मालूम होगा, अब उसके बाद तुम नहीं तो नज़दीक भी नहीं जाओगे, इतनी दूर भागो जिना के पूरे दरवाजों से। इसमें ये पूरे दरवाजे इंटरमिंगलिंग डोर बन सकता, चैटिंग डोर बन सकती, चैटिंग करके लव होता, लव होके जो है ना आप अफेयर होता, डेट्स में जाते हैं, उसके बाद ओयो में जाते हैं, रूम में जाके जिना होता, नहीं मानी तो रेप होता, तो लेकिन आप चैटिंग इश बंद कर दो, ला तकरबु ज़िना के उसमें गैर महरम से बातचीत कॉन्टैक्ट ही बंद कर दो, स्टार्टअप है ना जी। तो ये एक हो गया। एक हदीस है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आप जैसा बोले सीवियरिटी बताए तो आपको जो है ना एक डर होता, वैसी खाली इस्लाम डराने नहीं आया, बड़ी अच्छी एक जमानत भी दे दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत जो है इतनी बेहतरीन चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम दो चीज़ों की जमानत हो, मैं तुमको जन्नत की जमानत दे दूंगा, एक चीज़ ज़बान है और एक चीज़ प्राइवेट पार्ट है, इसके पर क्या यानी अब प्राइवेट पार्ट को कैसा बचेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अब इट्स नॉट जस्ट जिना, मास्टरबेशन आल्सो कम्स अंडर दिस, उसमें आता, इसमें आ जाता। तो अब जो है अगेन ये आके बात आके पूरा जो है बचपन से अपन औरत से लड़कियों से दूर रहे, पोर्न नहीं देखे और ये नहीं करे, तो आपका दिमाग जो है सेक्स को लेके जो है ना थोड़ा सा एक एहतियात में रहता, नहीं भाई जैसा शराब को बचपन से अपने कैसे बोलते शराब नहीं पीना, कौन बच्चा पीता भाई शराब, डरता इतना बहुत हद तक, इसके बारे में नहीं बोलते सेक्स के बारे में, तो क्या होता है ना इजी समझता है इसको, बिल्कुल अवेयरनेस शुरू से नहीं रहती शुरू के बारे में, तो बच्चा समझता है दिस इज कॉमन एंड यू नो इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, माफी मांग लेंगे, लाइट मैटर है। तो शराब जैसा आप बोले, बहुत अच्छी चीज बोले आप, कि आजकल बहुत सारे नौजवान इसमें इन्वॉल्व है, बट बहुत सारे नौजवान शराब में इन्वॉल्व है थोड़े, यानी ऐसा इतना कंपैरेटिवली नहीं है, क्यों, फॉर दिस वेरी स्पेसिफिक रीजन कि भाई शराब और दूसरे चीजों शराब हो गया है, डराए डराते इस चीज की आपको यू नो नहीं दिए गए, इनसाइट नहीं देते यार, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, गंदगी देखना ये अवेयरनेस है नहीं, अल्लाह अकबर, इसका गुनाह क्या है, इसका गुनाह क्या है। अच्छा उसके बाद बच्चा जो है यहाँ तक हिफाजत करके जवान हो गया, अब जब जवान होता तो जाहिर बात है उन्हें नहीं भी देखा तो सेक्स उसके हार्मोनल चेंजेस वगैरह उसके अंदर एक शहवत लस्ट और एक ख्वाहिश रहती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नौजवानों की जमात तुम जो है शादियाँ कर लोगे। अब यहाँ से फिर आप सोल्यूशन देते जाते हैं विश्वास, अगर शादी नहीं कर सके होता ना, नहीं कमा रहा, पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, पहले तो अपने नौजवान कमाते भी नहीं, एज भी होती, फिर शादी भी करो बोलते कौन देगा भाई बच्ची, तो पहले ये तो एक अलग बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर शादी नहीं कर सके तो क्या करो, नौकरी करके करो, नहीं साथ में बताए कि रोजे रखो, रोजे रखने से आप बताओ, मेरे कई केसेस आते हैं हमारे पास, वो लोग बोले भाई रमजान की हद तक हम पोन नहीं देखे, रोजे में नहीं देखता इंसान भाई कंट्रोल करता है अल्लाह से, उन्हें डरता भी और शहवत को भी कंट्रोल करती है, भूख ज्यादा पेट भर खा लिया तो जो है ना मस्ती चढ़ी हो गया, हैदराबादी बड़े हैदराबादी बैठा है तो सारा वो हो जाता, तो शहवत को कंट्रोल करने के लिए आपको रोजे रखो बोले। क्या प्यारा दीन है, आप रेप को कैसा रोकते हैं, आप जिना को कैसा रोकते हैं, आप रोजे रहो, बिल्कुल आप आंखें नीचे रखो, मैरिड अगर रेपिस्ट है तो उसका आगे सजा भी आएंगे, और मैरिड रेपिस्ट है तो तू भी एक काम कर, क्या कर, नजरें नीचे रख, घर में रंग मत देख, यानी पाक, क्या टीचिंग है सुभान अल्लाह, इस्लाम इतना इतनी प्यारा, इतना प्यारा है इस्लाम, अल्लाह ताला सब फरमा दिया कुरान में, क्या जिना के बारे में फरमा दिया, रिबा के बारे में फरमा दिया, शिर्क के बारे में, लेकिन हम लोग आजकल के उसमें कोई पढ़ने को तैयारी नहीं है, तर्जुमा सुनने को तैयार है ना, वो भी नहीं सुनते, गाने सुनना है आजकल के नौजवानों को,
अच्छा, अल्लाह ना करे सौ बार अल्लाह ना करे कि अगर किसी के घर में उन्हें नहीं सुनते हुए आया और उसके घर में उसके लड़की या उसके कोई फीमेल रिलेटिव या दोस्त या कजन है कोई भी, उसके जान पहचान में किसी के साथ रेप होकर ऐसे हालात होती, जब हम ये चीजें समझाए तो उसको जब समझ में आता है यार उसे जब रियलाइज होता जब क्यों भाई इतना पहले का पहले करो, बच्चों को तरबियत दो, खुद समझो कि ये कितनी बात है। अच्छा शादी कर लिया, अब क्या होता, शादी करने के बाद बाजनों की ख्वाहिशें नहीं मरती, एक तो नेचुरल होता हलाल तरीके से, वो तो उसका अल्लाह ताला कुव्वत देता बाजनों को रहता, बाज जने जो है बदमाश रहते हो तो बदमाशों की बात नहीं करेंगे, तो उसमें भी इस्लाम सोल्यूशन दिया, दो करो शादी, तीन करो चार करो, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सके तो एक ही करो। तो चार शादियों तक की इजाजत क्यों है आप, मगर इंसाफ के साथ, कंट्रोल के साथ, सबको रहना, सबको इंसाफ के साथ, तो भाई चार शादियां करने का इसको टाइम मिलता किसको देखेगा, किसको रेप करेगा, हमेशा कोविड का देते ना एग्जांपल, अच्छा, बिजी थे दिन सुबह के टाइम, हाँ सुबह के टाइम 4 घंटे 6 बजे से 10 बजे तक जो है छोड़े थे अपने पास कोविड में, इंसान बिजी था उसके टाइम पे, उसको मिलता कुछ भी टाइम, फोन देखने का मिलता ना, उन्हें मास्टर बेट ना म्यूजिक, उन्हें बोलता भाई सौदा लाना है, गोश्त की बात बताया थी, अम्मी भगा देते 4 घंटे खुला है, कर्फ्यू लगे ऐसा। अच्छा चार शादियों का हो गया ठीक है, और उसके बाद अब ये सब चीज़ें हो गई, बचपन से तरबियत मिल गई, सब होके हो गया, अगर चे फिर भी एक शख्स जिना कर दिया और रेप कर दिया और विटनेस के बाद उसके पास हद मालूम हो गया, तो इस्लाम क्या सजा देगा? इस्लाम जो है एक अनमैरिड लड़का कोई जिना करा या रेप करा इसमें फंस गया तो उसको क्या सजा है? 100 कोड़े मारना है और उसको शहर से बाहर कर देना है। ये जिल्लत है शहर से बाहर करना, अगर आपको आपके मोहल्ले से 100 कोड़े मार के भगा दिया होता है खत्म हो गई इसकी इज्जत, खत्म हो गई भाई। तो क्या होता है ये पब्लिक में करने से दूसरे नौजवानों पे एक दिल में डर बढ़ जाता है, अरे भाई ये नहीं करना, कांका लगा लिए भाई, जैसा हमारे टाइम पे होता था सिगरेट पीते हुए कोई देख लिया तो पूरे मोहल्ले में टाम टाम बात हो जाती थी, हाँ अरे भाई उनका बेटा सिगरेट पिया, उनका बेटा उन्हें ऐसा दिखा, हम लोग साइकिल पे कहीं तो भी दिखे कुछ भी सिगरेट विगरेट भी नहीं, तो डैडी को मालूम आता था तो डैडी को बोलते थे पूरी CID फैला के रखे डैडी, आप कैसा मालूम होता, हंसते थे डैडी, अरे आरिफ भाई आपका बेटा नहीं एक रहता था पहले, तो अब शहर बदर कर रहे थे, कोल्ले दे रहे दबा के बुरों के सामने, अब मार के भेज देंगे तो भेज देंगे। अच्छा मैरिड अडल्टर इसकी अलग सजा है, क्योंकि इन्हें शादीशुदा है, तेरे को बीवी अल्लाह ताला दे दिया था, तेरे को चार की इजाज़त दे दिया था, तो बदतमीज तू बीवी को छोड़ के चार बीवियां करना था, तू नहीं छोड़ के तू रेप भी कर दे रहा, जिना कर रहा, दूसरी औरतें क्यों कर रहा, तो उसकी क्या सजा है? उसकी सजा है स्टोन टू डेथ। और स्टोन टू डेथ आप लोगों को मालूम होगा, स्टोन टू डेथ इंसान को पत्थरे फेंक फेंक के जब तक मारना है जब तक उन्हें मर ना जाए। कोई शख्स ये एक सजा पब्लिक के सामने हो गई, उन्हें देखा तो भाई अच्छा आप लोगों को मालूम, आपके वाली साहब वाला देखे होंगे आप सऊदी में जो ना गर्दन मारने की जो लोग नासिक अंकल देख के बुखार में थे कितने के दिन जाके गर्दन मारने की सजा जो होती थी, कुछ लोगों का शौक रहता था जाके देखने का, जुमा के बाद होता, हाँ जुमा के बाद बस मस्जिदों होता, तो सऊदी में जाके जो देखते हैं वो ना ये 4-5 दिन बुखार से पड़ जाते थे देख के गर्दन कट रही से, वो फिर करते वो काम, खाली देख के बुखार आ गया इनको, गर्दन मार देना वन टाइम है, स्टोन टू डेथ बहुत डेंजर रहता है, वीडियो आया था देखो मार रहे पत्थरे पड़ रहे, तो ये सजा देखने के बाद कहाँ से क्राइम होगा, कहाँ से रेप होगा, कहाँ से वो होगा। अब हम वो लोगों को जवाब देंगे यहाँ पे जो कहते हैं कि इस्लाम इज बारबेरिक, बारबेरिक बोलते ना वो जुल्म वाला है, अरे भाई मार दो बोल रहा, पत्थरे मार दो बोल रहा, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम या मुसलमान जो भी है, 10 साल से जो इस्लाम आपको इतनी तरबियत दिया, आप बच्चों को बोलते बेटा आप ये हाथ नहीं लगाना फ्रिज को, एक बार बोले बेटा फ्रिज को हाथ नहीं लगाना, दो बार बोले बेटा फ्रिज को हाथ नहीं लगाना, कितना भी अच्छा रहने दो, कितना भी पसंद रहन दो, 5 टाइम का धन बोल के देते नहीं देते मारते देते। तो इस्लाम आपको 10 साल से आपको तरबियत दिया, आप पूरी तरबियतों को छोड़ के आप रेप करेंगे तो स्टोन टू डेथ है आप, आप ये तरबियतों को कहीं को नहीं कर लिया भाई, और इतने सॉल्यूशंस, एक नहीं चार शादियां दूसरे कई जगहों पे नहीं होता है। तो आप लोग जो है इस पे क्या लास्ट बात बोल के इंशाल्लाह ताला मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक जैसा अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो स्टोन टू डेथ अगर शुरू में ही इंप्लीमेंट हो, बात करें सोहेल के इसमें किसी को सख्त रूल आ गया तो उसके बाद फिर दूसरे भी रुकते हैं इस चीज़ से, एंड फॉर दैट वेरी रीज़न सऊदी अरब में कम मालूम होते हैं वेराज, अपने पास अभी तक कुछ भी नहीं आया, दूसरे कंट्रीज में भी नहीं है, दूसरे कंट्रीज में भी नहीं है, वही कोर्ट की कार्रवाई चलती सब 1-2 साल लोगों को बेल भी मिलती कई केसेस में, तो उन लोग इसको लाइटली लेके रहते भाई, होता हुआ तो निकल भी जाते, क्या है 2-3 साल जेल में रहना है बाहर आ जाते, डेथ सेंटेंस तो बहुत कम मालूम होता, होता डेथ सेंटेंस भी मिलते हैं रेप केसेस में क्रिमिनल्स को, बट इवेंचुअली जब आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो बहुत कम लोगों को डेथ सेंटेंस मिलता, बहुत सारे लोगों को बेल भी मिल जाती, 4-5 साल करके अच्छा, निकल भी जाते सेंटेंस। एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ कि हमारे अपनी गवर्नमेंट क्या करना जी, कि इंडियन गवर्नमेंट है कोई भी गवर्नमेंट बोला भाई डेथ सेंटेंस तुम ना जो बोल रहे हो वो डेंजर दिख रहा है,
तो अपन ये बोलना कि भाई हमारे को जो इतने भी सजा है ना ये मुसलमानों को दो, अगर मुसलमान जो है कल्प्रिट रहा आप दूसरे रिलीजन के क्योंकि आप क्यों फॉलो करेंगे स्टोन डेड, अगर मुसलमान चोरी करा इसके हाथ काट दो, अगर मुस्लिम यानी समझ रहे मुसलमान को पर इस्लामिक लॉ नाफिज कर दो, उनको बोलो तू करेगा तो तेरी सजा इस्लाम से मिलेगी, बहुत हद तक क्राइम वो भी बच सकता है और यानी इंशाल्लाह हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी एक लेसन मिले। अल्लाह ताला भी यानी फसाद फिल अर्द है भैया, फसाद फिल अर्द एग्जीक्यूट करना है, डंडा इस्तेमाल करना है जरूरी है। दो दो नहीं मगर दो अगेन दो 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 ऑप्शन है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो आप डंडा उसको दिया जाएगा जो ऑलरेडी कर दिया क्राइम, जी कर दिया कर, लेकिन अब क्राइम को जड़ से रोकना है। आप एक पत्ता है जिसके ऊपर सड़े हुए फूल आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, निकालते गए तो फिर आती जड़ा खराब हुए। मैं ये बोलना चाहूँ था हमारे पॉडकास्ट का मेन मकसद वो शुरू पूरा रेपिस्ट पे अपन बात करने लगा तो उसको बोले तो कुछ ना था सजा देना ही, लेकिन और फ्यूचर के रेपिस्ट बन सकते जी उनको वहां से तरबियत देके इस्लाम की तालीमात फॉलो करें तो इंशाल्लाह बच सकते, क्या बोलते हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात बोलते हुए यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और एक बात थी सोहेल भाई कि कुछ बहनें हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी बहन हो वो सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए। बिल्कुल बेशक भाई, आजकल वो स्प्रेस भी आ रहे थे यार, कुछ तो बेयर स्प्रे शार्प ऑब्जेक्ट लेके ले लोगों को मारना पड़ रहा है, सो सैड है, अल्लाह रहम करे इंसानों को मारना, जानवर जानवर से भी बदतर होगा ना, बल से बदतर, ये तो जानवर से भी बता रहा है अल्लाह जैसा। रिस्पेक्ट ही नहीं औरतों के लिए, तो और इस्लाम क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं औरतों को, इतना बड़ा वो है इस्लाम में औरतों का मुकाम जो है। आप बर्बारिक बोल रहे हैं, ये स्टूडेंट औरतों की सेफ्टी के लिए है, वही औरतों की सेफ्टी के लिए जिनके इस्लाम आप बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा ये जो बेचारे बहना है जो फेमिनिस्ट और वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर आप वाकई देखेंगे तो औरत का तो मकाम ही अलग है यार। औरत के लिए तो मैं तो मेरे बेटियों को तो बड़ा इजी यार, जन्नत में जाना थोड़ी चीज़ें तो है, तुमको तुम्हारा कौन सा मस्जिद में जाके जमात से पढ़ना है, तुम्हारा कौन सा जाके लड़ाई करना है, तुम्हारा कौन सा जाके कुछ काम करना है, घर में बैठो थोड़े थोड़े चीज़ें कर लो अल्हम्दुलिल्लाह इजी चले जाओ। अच्छा फिर औरत जो है आप घर में इत्मीनान से, भाई कोई अगर से अपने को बोला बच्चों को तू घर में बैठते रहो खाना पीना देते बताओ बर्तन दो, आजकल तो ऐसी है, अरे भाई कहाँ कहाँ लगाओ बाहर जाओ जाओ ट्रैफिक में खाली गाड़ी चला के आना, वो तो परेशानी हो जाती है। तो औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है, और एक दो तीन हदीसों में आता बच्ची अल्लाह दिया किसी को बेटी तरबियत करके सही उनकी जगह शादी करता तो जन्नत की जमात बच्ची को ने बच्ची के बाप को मिल जाएगी। तो इस्लाम का तो ये मकाम है यानी औरत का, ऐसी कि ऐसा ऐसी किसी और चीज के लिए है नहीं, अपने को नहीं है ना भाई बेटों को नहीं बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बड़े दिल के साथ यानी ये बात तो हो गई अपनी हंसी मजाक में सब, लेकिन रेप इज नॉट अ जोक यार, कितना रोना नहीं आता, पागल हो गए यार तुम लोग, किसकी भी बेटी से ना यार, वो किसी की बहनी है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, तुम जाके उसको कर दे रहे हैं, और अगर उन्हें मर गई जिंदा रही तो उसके ऊपर मेंटल ट्रॉमा कितना रहूंगा। और ये अलग टॉपिक है, व्हाट हैपेंस टू द रेपिस्ट आफ्टर द रेप, तरबियत नहीं वो है, जैसा आप बोलो बात हो रही थी, तरबियत नहीं रही तो इंसान की मोरालिटी नहीं रहती, मोरालिटी चले जाती चले जाती, इंसेन हो जाता है, इंसेन हो जाता है, जब इंसेन हो जाता है तो उन्हें उसका बहुत जो सोचने का तरीका रहता बदल जाता, खत्म हो गया वहीं पर, अब मैं सही बोल रहा हूं, सोच खत्म हो जाती है, मेंटालिटी देखो आप 2014 में या 15 में निर्भया केस हुआ था, एक रिपोर्टर जाके जेल हुई खाली, उसको जेल में जाके उन्हें खाली सवाल पूछे रेपिस्ट से, आप अभी भी यानी गिल्टी है यानी रिग्रेट करते हैं, आप रिग्रेट करते क्या, आप बोलते उन्हें क्या बोल रहा, नहीं भाई ताली एक हाथ से थोड़ी बचती दो हाथ से बचती कहते, यानी बच्ची की भी गलती बोल के बोल रहा था उन्हें। यहाँ पर हम तरबियत के वास्ते बोले कि बच्चों को बहनों को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, दिस वी कैन नॉट टेल टू अदर पीपल फ्रॉम रिलीजन, अब हिंदू को बुरखा पहनो तो नहीं बोलेंगे ना हिंदू बहन को, तो क्या उन्हें अगर कोई नंगी औरत भी नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक दिखती रोड पे तो क्या इस्लाम आपको जो है ना उसको देखने के टच करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि देखना हो बच्ची को देखना, लिहाजा यही हमारा मैसेज है कि अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने इस्लाम ये नहीं सिखाता कि अब औरतों को उससे बदतमीजी से वो करे, एक रेस्पेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है अपने उसमें, क्वीन ऑफ होम बोलते हैं अपने उसमें, अगर बहना देख रहे हैं आप बहना भी देखे खुश होती है इसके बाद अब मेरी बहना नहीं दूसरे बहना है पूरे थोड़ा नहीं भाई थोड़ा दे लेते हैं ना बहनों की इज्जत का है जरूरी है देना तो भाया नहीं देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली असल घर शुरू होता है हम लोग का पॉइंट है ना घर से शुरू होता है बहनों की जब इज्जत घर में खत्म होती ना तो उन्हें बाहर क्या रिस्पेक्ट है यस अगर आप घर वालों को आप इज्जत नहीं देंगे तो बाहर वाले को बाहर नहीं देंगे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए एंड ऑल दोस बॉयज फोन जो देख रहे प्लीज छोड़ दो फोन देखना और जो गर्ल्स दे डोंट वॉच दे रीड
मैं पहले ही बोला एडल्ट नॉवेल्स वगैरह ये छोड़ दें, क्योंकि दोनों जगह से नुकसान है, इतने नुकसान थे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला कहने ज़्यादा सुने ज़्यादा हमारे हमको अमल की तौफीक दे, और ये बातों को गौर से लिख लो और हदीसा देखे पढ़ सकते हैं आप लोग। अमल करो मेरे भाई, अमल करो और ये गंदगी से बाहर निकलो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि नॉन मुस्लिम जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनको भी एक मिसकंसेप्शन हटे कि भाई खाली इस्लाम स्टोन टू डेथ, लेकिन यहाँ 10 साल से आपको तरबियत देने के बाद आ रहा हो। बेशक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट शो के साथ नए गेस्ट के साथ, जब तक के लिए आप दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।